हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और निवीड में। आज सुबह के अभी 7:45 हो रहा है दोस्तों, और आज है 22 जनवरी 2024। तो आज है श्री राम मंदिर अयोध्या जी का उद्घाटन। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना और हैप्पी उद्घाटन दिवस। तो दोस्तों, आज हम लोग भी श्री राम जी के आने की तैयारी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी निपाई उपाई हो रहा है, और यहाँ पर एग्जाम होगा। आज राम जी का अयोध्या मंदिर उद्घाटन है, तो उसी के शुभ अवसर पर यहाँ भी राम धुन का आयोजन किया गया है। सारे गांव के ग्रामवासी यानी कि हम लोग सभी आदमी मिल करके चंदा वसूल करके यहाँ पे राम धुन कर रहे हैं, सब आदमी मिल करके। तो यहीं पे तैयारी हो रहा है, तो पंडाल लग गया है, निपाई उपाई हो रहा है, और यहाँ सफाई उफाई सब हम लोग कर रहे हैं। और थोड़ी देर में लगभग 10:30 11 बजे से स्टार्ट होगा राम धुन। तो चलिए अभी सफाई उफाई करते हैं, तैयारी करते हैं। दोस्तों भी सफाई फाई भी कर लिया सब, देख सकते हैं सफा हो गया एक नंबर, अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा सा लग रहा है देख सकते हैं। और इधर भी निपाई भी हो गया, और एक कुर्सी पे पंडाल बनेगा, इस पर फोटो रखाएगा, उसके बाद में राम धुन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है 9 बज चुका है, और अभी ये सब इतना तैयारी हो गया देख सकते हैं। और उठ जा उठ जा, इधर पंडाल भी अभी बन चुका है, और सुरसर हो रहा है, 9 बज रहा है, तो लगभग 10:30 11 बजे से स्टार्ट होगा। तो देख सकते हैं जूता पहन गए, और थोड़ा देर में स्टार्ट होगा। दोस्तों राम धुन होने से पहले जो है ना संकल्प होता है, पूजा होता है, उसके बाद में राम धुन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी पूजा हो रहा है, पूजा होने के बाद जो है ना संकल्प हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, उसके बाद लगने ही राम धुन स्टार्ट होगा। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहा है, और एग्जाम राम धुन तो चालू हो गया है 10:05 पर, तो कल सुबह 10:05 पर समाप्त होगा। और अभी मैं चल रहा हूँ सीधे सरेह की तरफ, देख सकते हैं बोरा में खाद लिया हूँ, गेहूँ पटाया हुआ था ना उसमें छींटना है, तो चलते हैं छींटते हैं, और उधर से जैविक काट के लेकर आना है। फिलहाल चलते हैं खाद छींट लेते हैं। और रामधुन जो है ना सामूहिक है, यानी कि चंदा वसूल करके अपने पूरा टोला मोहल्ला में उसके बाद में हो रहा है, यानी कि सामूहिक एग्जाम है, तो उसमें बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। रामधुन चालू है, और ऐसे भी आज 22 जनवरी है, तो राम जी का मंदिर का उद्घाटन है अयोध्या जी में, तो उसी के शुभ अवसर पर और भी आज जो है ना हर जगह हर गांव में हर टोला में जो है ना कहीं हनुमान आराधना हो रहा है, तो कहीं राम राम की जाप हो रहा है, सीताराम नाम जाप, तो इस तरह का रामधुन चारों तरफ गूंज रहा है। ऐसे बैकग्राउंड में आप लोगों का आवाज़ भी आता होगा, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसमें छुट्टा है, हर गांव में राम धुन हो रहा है। तो इस तरह का माहौल है आज का, चलते हैं फिलहाल खाद छींटते हैं। तो दोस्तों अभी मैं खेत में पहुंच गया, इसी खेत में छींटना है इस वाले में, तो छींटते हैं। बोरा में से निकाल करके हसुआ भी लिए हैं जई काटने के लिए, तो चलते हैं बाल्टी में रख लेते हैं, 2 बाल्टी छींटना है इसमें, उसके बाद में 2 बाल्टी दूसरे खेत में छींटना है। चलते हैं सबको ढोल लेते हैं, ढोल में छींट लेते हैं, छोट छींट के फिर मिलते हैं इस खेत में, फिर दूसरे खेत में भी छींटना है। तो इस खेत में भी छींट आ गया, छींट लिया, 2 ढोल छींट लिया, इतना बचा है, 2 ढोल और होगा इस बोरा में। तो अब चलते हैं दूसरा वाला खेत में, इस साइड में वो पेड़ दिख रहा है सामने वाला झंखार पेड़, उस पेड़ के उस साइड में, तो चलते हैं। थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, घर से लाए हैं ना तो ज़्यादा भारी था, क्योंकि 4 ढोल था इस बाल्टी से, 4 बाल्टी था, 2 बाल्टी कम गया था, थोड़ा वजन कम हो गया। तो चलते हैं उस खेत में पहुँच के, फिर मिलते हैं।
ठीक रहती है। कितना छोटा, कितना सुंदर लगे जो हरिन के बच्चा लिखाए गए बकरी लेकर। ये देखिए दोस्तों, ये बंसमिया का बच्चा है, कितना छोटा है अभी। ये अकेला है कि? हाँ अकेले ना है अभी। एकरा जान के खतरे है। वो है 3 दिन भेल है, भूखे पिया से रहा 3 दिन। 3 दिन से भूखे पिया। अगर मत आइए ना घिटाई थे। मेरे अपना जोड़े ले गए रहती। हाँ ले गए रहती, छोड़ती थोड़ी। अभी अकेले कहाँ जाते? खाता ही किया अब तक गले। घास खाएं खाएं। फाइनली दोस्तों इस वाले खेत में भी मैं अपना पहुंच गया, देख सकते हैं। और इसमें जो है ना साइड साइड से सरसों डाल दिए हैं, राई सरसों नहीं, तो बीच में खाली गेहूं है। तो चलिए दोस्तों इसमें भी छींट लेते हैं, डाल लेते हैं। 2 बोरा है तो इसमें कितना 15-20 मिनट लगेगा, तो छींट लेते हैं डाल करके और छींट के फिर मिलते हैं। तो खा छींट लिया, बाल्टी खाली हो गया और अब चलते हैं, ले लेते हैं बोरा, हंसुआ और बाल्टी, तीनों ले लेते हैं। ले लिया तीनों, देख सकते हैं। और अब चलते हैं इधर से खेत देखते हुए, चलते हैं जई वाले खेत में, जई काटेंगे उसके बाद में घर चलेंगे। अभी टाइम दोस्तों हो गया है 4:15, फिलहाल घूमते हुए चलते हैं जई वाला खेत। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ इस करैया वाला खेत में। ये हमारा करैया है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। इसमें करैया, मटर और एगो दुगो राई सरसों, ये सब मिक्स करके है। ये देख सकते हैं इस प्रकार का है, करैया है, मटर है, राई सरसों। चलते हैं दूसरा वाला खेत में। तो इधर थोड़ा सा घूमते हैं, इधर खेत है अभी खेसारी सारी मौसरी का, किस प्रकार का है देखते हैं। ये खेसारी वाला है, इसमें सिर्फ खेसारी है, बस राग छिड़ दिया हुआ है, नहीं तो सब साग तोड़ लेता है। ऊपर से ही मूरी आ लेता है, इसकी वजह से ख़राब हो जाता है, तो इसलिए राग पटा दिए हैं। इससे थोड़ा जोर भी हो जाएगा, घाना भी हो जाएगा, खाद भी मिल गया और साग भी नहीं तोड़ेगा कोई, तो बचा रहेगा। अब चलते हैं जई वाला खेत में। तो दोस्तों अभी मैं आ गया जई वाला खेत में। ये हमारा जई है, देख सकते हैं सीमर का पेड़ है कोना पे, और ये जई है और धुआं लगा दिए हुए हैं मूर्ति जैसे पुतला, क्योंकि बंसमिया आता है ना तो सारा चढ़ जाता है। वहाँ पे बच्चा दिखे है, बंसमिया का बच्चा था, खो गया था तो कोई आदमी पकड़ के रखा हुआ था, तो इसलिए वो मूर्तियाँ लगा दिए हुए हैं। और ये साइड में दोस्तों गेहूँ है, थोड़ा सा इधर जई बुआई किए हुए हैं, यही थोड़ा सा। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक पाँजा काटते हैं, एक बोझा नहीं काटेंगे जोर से, आधा बोझा काटेंगे। दोस्तों काट लेते हैं, ये हंसुआ है और काटते हैं, एक बोझा कस के नहीं काटेंगे, आधा बोझा काटेंगे, क्योंकि थोड़ा ही है, सिर्फ भूसा में फेंट के खिलाने के लिए काटते हैं। एगो भैंसी एगो परू है, तो ऐसे काटेंगे तो खा तो जाएगा एक बोझा 2 बोझा का भी, लेकिन आधा बोझा काटेंगे वो गेहूँ में, गेहूँ के भूसा है उसमें फेंट के खिलाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों काट करके फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी सारे को काट लिए, एक बोझा यही सारा काट लिया और सबको बांध लेते हैं। बांध के तो अभी टाइम हो गया है 4:15 और अभी बांध लिए, काट उठ करके अच्छे से खाद भी छिटा गया और अब चलेंगे सीधे घर। और देख सकते हैं दोस्तों ये वाला काला जो है ना अभी बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। दर्द दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर खाना खाते हैं तो दर्द होने लगता है, अभी ठीक है। और रात के समय में खाना खाते हैं तो फिर दर्द करने लगता है, तो देखते हैं कब से फेरी पर जाते हैं। ऐसे कल 23 तारीख है तो कल से जाएंगे, नहीं तो परसों से तो पका जाएंगे, हो सकेगा तो कल से ही निकल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी ये जई लेकर के चलते हैं
घर पे। तो अभी जय लेकर के चल रहा हूँ सीधे घर पे, मिलते हैं घर पे। इतना ही जय है, दे सकते हैं। आते आते फिर भी माथा दर्द करने लगा, तो आ करके जो है ना कुटी काटा हूँ, तो कुटी काट दिया। कुटी काट करके इधर भैंस को भी दे दिया, दे सकते हैं भैंस को, उधर पारी को भी दे दिया। और अभी मौज मचा हूँ, तो अभी चलते हैं अभी राम धुन में, क्योंकि इधर राम धुन हो रहा है, देख सकते हैं। मैं कैमरा से दिखाते हैं, तो चलते हैं इस समय से अब राम धुन खटने। अभी बच्चे लोग खट रहे हैं, दर्शन कीजिए राम जी का। कृष्णा की मम्मी इधर दीप जला रही है, देख सकते हैं। आज दिवाली मनाया जा रहा है 22 जनवरी को, उद्घाटन के समय से राम मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर, तो 4-5 दिया जलाए हैं छत पे, देख सकते हैं दिवाली। और उधर गांव की तरफ भी है दिवाली, लेकिन यहां से थोड़ा कम दिखाई देता है, क्योंकि गाछी है इसके वजह से। और इधर कृष्णा की मम्मी दीप जला रहे, देख सकते हैं। कृष्णा, ए कृष्णा, इधर देख, इधर क्या करते हैं दोस्तों? दिवाली मना रहे हैं दोस्तों। अभी रात के टाइम हो गया है, 7-7 बज गया है, और आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा बहुत हो गया है। और मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और न्यू वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय।